Hello friends, welcome to my channel e-grammar and R tutorials. Now this is a series of present and past. In this video we are going to cover present continuous. Present continuous matlab I am doing. इस वक्त मैं आपको सिखा रहा हूँ, मतलब ये काम मैं इस वक्त कर रहा हूँ, उस चीज को बताने के लिए हम present continuous का use करते हैं. अब already हमने present continuous तो पढ़ लिया, but आप जब आपके daily routine में या फिर आप रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप ये बोलना चाहते हो, स्पोकन इंग्लिश के लिए जब यूज करते हो, तो उस वक्त के लिए आपको ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगा. चलो तो शुरुआत करते हैं. मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं. देखिए, पंकज इज इन हिज कार, ही इज ऑन हिज वे टू वर्क, ही इज ड्राइविंग टू वर्क. अब ये सिचुएशन हो गया. This means he is driving now. At the time of speaking, the action is not finished yet. क्या होता है? Present continuous आपको ये बोलता है कि इस वक्त आप क्या कर रहे हो, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये मेरी action finish नहीं हुई. Action तो शुरू हो चुकी पर finish नहीं हुई action. तो उस action को बताने के लिए हम present continuous का use करते हैं. So Pankaj is in his car. Pankaj उसके गाड़ी में बैठा है, उस वो ऑन द वे है, मतलब वो काम पे आ रहा है. इस वक्त वो क्या कर रहा है? तो ही इज ड्राइविंग टू वर्क. मतलब भले वो आप ऐसे बोले ही इज ड्राइविंग अ कार, ये भी आप बोल सकते हो. ही इज ड्राइविंग टू वर्क मतलब वो गाड़ी चलाने का काम फिलहाल कर रहा है, मतलब एट प्रेजेंट वो कर रहा है. तो उस चीज को बताने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हो. ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? नाउ देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब आप यूज करते हो तो इन आठ जनों को, यहां पे ये जो आठ जने आई, जो बाद में वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन आठों का मतलब इन सात जनों का आपको ध्यान रखना है. होता क्या है, ये होते सब्जेक्ट्स. इनके साथ आई के साथ यूज होता है एम, ही, शी, इट हो तो हर एक के साथ यूज होता है इज, वी, यू, दे हो तो हर एक के साथ यूज होगा आर. बट आई का कॉन्ट्रैक्टेड, आई एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है एम, ही इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हिज, एंड वी आर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वी आर. बट यहां पे प्रोनंसिएशन वी आर ऐसे ही हम करते हैं. उसके बाद जो भी वर्ब होता है उसे हम आईएनजी लगा देते हैं. सो आई एम ड्राइविंग, आई एम, ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग, वी आर डूइंग, इस तरीके से आप सेंटेंस बोल सकते हो. ओके, मतलब इस वक्त मैं वो चीज कर रहा हूं. I am doing something means I am in the middle of doing something. I have started doing it and haven't finished yet. मैं कुछ कर रहा हूं, इसका मतलब क्या कि मैंने वो काम शुरू किया है, ऑलरेडी वो काम शुरू हो चुका है, बट वो अभी तक खत्म नहीं हुआ. इस चीज को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं. ओके, नाउ ऑफन दिस एक्शन हैपन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे हमने पहले ही बोल दिया था. अब कुछ एक्शन देखिए. Please don't make so much noise. I'm working, not I work. यहां पे मैं आप ये नहीं बोल सकता. Please don't make so much noise. Not ये नहीं बोलना है. I work. I am working. यहां पे क्या यूज करना है आपको? I am working. Understood? Next देखिए. Where is Sagar? He is coming home. यहां पे आपको लिखना है He is coming home. सागर कहां पे है? वो घर पे आ रहा है, ये आप पूछ रहे. नो, ही कम होम, ये नहीं बोलना है आपको. नेक्स्ट देखिए, लेट्स गो आउट नाउ. इट इजंट रेनिंग एनी मोर, इट इजंट रेनिंग. अब नेगेटिव सेंटेंस हो गया है कि यहां पे बारिश नहीं हो रही, इसका मतलब अभी बारिश यहां पे नहीं हो रही. तो आप बोलोगे इट इजंट रेनिंग एनी मोर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, हेलो मयूर, आर यू एंजॉइंग द बर्थडे पार्टी? हेलो मयूर, आर यू एंजॉइंग द बर्थडे पार्टी? बस ये सेंटेंस हो गया, मतलब इस वक्त तुम बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हो क्या? अंडरस्टूड? आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग होम नाउ, गुड नाइट. थक गए हो आप? आप बोलोगे कि मैं अभी घर जा रहा हूं, गुड नाइट. अंडरस्टूड? सम मोर एग्जांपल्स आपके सामने लेके आता हूं. देखिए, सागर वॉन्ट्स टू वर्क इन इंग्लैंड. सागर चाहता है कि वो इंग्लैंड में काम करे. सो ही इज लर्निंग इंग्लिश. सो ही इज लर्निंग इंग्लिश, वो अब इंग्लिश सीख रहा है. इसका मतलब वो दिन रात इंग्लिश सीख रहा है ऐसा नहीं होगा कि
उसने हाल फिलहाल में इंग्लिश सीखना शुरू किया है वो उस प्रोसेस में है, ये आपको ध्यान में रहेगा। बट परहैप्स ही इजेंट लर्निंग इंग्लिश एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब ये नहीं कि हम अब बात कर रहे हैं तो उस वक्त वो इंग्लिश ही सीख रहा होगा, इसका ये मतलब आपको नहीं निकालना है। ओके? उसने वो प्रोसीजर शुरू की जब उसका इंग्लिश सीखने का टाइम होता है, उस वक्त वो इंग्लिश सीखता है। अंडरस्टूड? सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड आर वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट। ये भी एक सिचुएशन देख लिए। दे होप इट विल बी फिनिश्ड बिफोर विंटर। मेरे कुछ दोस्त है किसी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, दे होप, वो सोचते हैं ऐसा कि जब तक विंटर आएगा उसके पहले वो प्रोजेक्ट उनका खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स हैपनिंग्स इन अ पीरियड अराउंड नाउ। कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि वो हमारे आजू बाजू जो पीरियड होता है, मतलब हमारा जो टाइम स्पैन होता है, उस टाइम स्पैन के अंदर वो चीज शुरू हो गई होती है और अभी तक खत्म नहीं हुई, तो उस टाइम स्पैन को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टूडे, दिस वीक, दिस मॉर्निंग, उस वक्त आप ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, शी इज वर्किंग हार्ड टूडे, आज उस बहुत काम कर रही है। यस, शी हैज अ लॉट टू डू, उसको बहुत काम है। अंडरस्टूड? ये सिचुएशन है, वो आज बहुत काम कर रही है, मतलब कोई लड़की हो या कोई औरत हो, वो सवेरे काम पे आई हो और अभी भी उसका काम चल रहा है और अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो उस वक्त आप बोलेंगे शी इज वर्किंग हार्ड टूडे, यस शी हैज लॉट टू डू। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, इज पंकज टीचिंग दिस वीक। अगर पंकज इस वीक में सिखा रहा हो तो क्या बोले, इज पंकज टीचिंग दिस वीक। आपने क्वेश्चन किया, नो ही इज ऑन हॉलीडे, ये हफ्ते में वो नहीं है, वो नहीं सिखा रहा क्योंकि वो हॉलीडे पे है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, इज सागर कमिंग दिस इवनिंग, आज शाम, या फिर ये शाम को सागर आने वाला है कि नहीं, इज सागर कमिंग, ऑलरेडी शाम है तो बोलेंगे इज सागर कमिंग दिस इवनिंग, आप बोलोगे यस ही इज ऑन द वे, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं नो ही इज नॉट कमिंग, ये भी सेंटेंस होगा कि नो ही इज नॉट कमिंग। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजेस हैपनिंग अराउंड नाउ। हमारे आजू बाजू में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, फिर वेदर कंडीशंस के हम बारे में बात करते हैं, बहुत रेनफॉल हो रहा है तो वो कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं, तो उन सिचुएशंस के बारे में जब आप, मतलब वो चेंजेस के बारे में जब आप बात करते हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है। जैसे कि द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग वेरी फास्ट, इज योर इंजरी गेटिंग बेटर, द यूज ऑफ इंटरनेट इन यूथ इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, द सन इज गेटिंग हॉट नाउ। भले गर्मी के दिन हो तो आप ये बोल सकते हो द सन इज गेटिंग हॉट नाउ, या फिर आप बोल सकते हो सवेरे से दोपहर हो रही है अभी, तो दोपहर में धूप थोड़ी ज्यादा लगती है, तो आप बोलोगे द सन इज गेटिंग हॉट नाउ। अंडरस्टूड? इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर? अंडरस्टूड? एक्सरसाइज, अब देखिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कंप्लीट द सेंटेंसेस। मैंने कुछ वर्ड्स लिखे यहां पे ब्रैकेट में, हम वो वर्ड्स को लेके मतलब एक तरह के फिल इन द ब्लैंक्स है, छोटा सा है, हम वो सॉल्व करेंगे। यू डैश डैश हार्ड टूडे, यस आई हैव अ लॉट टू डू, इस तरीके का सेंटेंस हमने ऑलरेडी लिया था, तो यहां पे होगा यू आर वर्किंग हार्ड टूडे, यू आर वर्किंग हार्ड टूडे, यस आई हैव अ लॉट टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डैश डैश फॉर पंकज, डू यू नो वेयर ही इज। अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है इसमें से हमें इससे पता चलेगा कि यहां से कौन सा हम ऑप्शन ले सकते। आई एम, आई के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, आई एम लुकिंग, आई एम लुकिंग फॉर पंकज, डू यू नो वेयर ही इज। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
It dash dash dark. Shall I turn on the light? It is getting dark. Shall I turn on the light? Understood? Next, देखिए. Are you ready, Pankaj? आपने किसी को सवाल किया, आपने किसी को फोन किया, भले फोन पे पूछ रहे हो कि आपको कहीं बाहर जाना हो, कि किसी ओकेजन में जाना हो, तो आप बोले आर यू रेडी पंकज, तो उसका जवाब आएगा यस आई एम कमिंग. यस आई एम कमिंग. अंडरस्टूड. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. हैव यू गॉट एन अम्ब्रेला? इट इजेंट रेनिंग, ये बोल सकते हो, या फिर आप बोलोगे इट इज स्टार्टिंग टू रेन. इट इज स्टार्टिंग टू रेन. नेक्स्ट वर्ड देखिए. नेक्स्ट देखिए. यू डैश डैश अ लॉट ऑफ नॉइज, कुड यू बी क्वाइटर? आई डैश डैश टू कॉन्सेंट्रेट. अब यहां पे क्या करना है, you are making a lot of noise, could you be quieter? I am trying to concentrate. Understood? Last dekhiye, why are all these people here? Ye question ho gaya. What is happening? Question complete. दूसरा भी सवाल पूछ लिया आपने. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं अपन. कंप्लीट द क्वेश्चन. क्वेश्चन कंप्लीट करना है हमें. डैश डैश दिस वीक, यस ही इज ऑन ड्यूटी. अब यहां पे आपको दिखेगी दो वर्ड्स, उन दो वर्ड्स को हमें यूज करके ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है. देखिए, डैश डैश दिस वीक, इज पंकज वर्किंग, ये होगा Pankaj working this week? Yes, he's on duty. Understood? Next, dekhi. Why dash dash at me like that? What's the matter? Why are you? Yaha pe hoga, why are you looking? Why are you looking at me? Ye do words ka humne use kiya aap pe. Why are you looking at me like that? What's the matter? Understood? Next, देखिए. Sagar is a student at university. Is he? What is he studying? What is he studying? Question mark. That's it. Understood? Next, देखिए. Dash dash to the radio or can I turn it off? Anybody or listen, ये दो words है. अब इनका use करके हमें एक question पूरा करना है. Is anybody, मैं यहाँ पे बोलूँगा anybody, is anybody, listen का होगा listening, is anybody listening to the radio or can I turn it off? Understood? Next, how is your English? Dash dash, better. How is your English? आपने सवाल पूछा और उसके बाद आप उनसे जवाब दे रहे हो. दूसरा सवाल होता है तो आप ही पूछ रहे हो दूसरा सवाल, कैसे? हाउ इज योर इंग्लिश? इज इट गेटिंग बेटर? समझ रहा है आपको? अब थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं. पुट द वर्ब इन करेक्ट फॉर्म. मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है, यहां पे हमें एक तरह की फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है जैसे कि, और ब्रैकेट में वर्ब लिखा है. अब क्या यूज करना है देखिए हमें. I am going to bed now. गुड नाइट. दैट्स इट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखिए. वी कैन गो आउट नाउ. इट इजंट Raining anymore. Rain क्या होगा? It isn't raining anymore. या फिर आप बोल सकते हैं It is not raining anymore. Understood? Next देखिए.
How is your new job? Not so good at the moment. I am enjoying it very much. Understood? Next, dekhiye. Pankaj called me last night. He is on holiday. He is. तो is लिख सकते हो या फिर apostrophe यहाँ पे दे दोगे आप और s लिख दोगे या फिर he is having great time. Understood? Next. I want to lose weight. So this week I am eating lunch. Understood? Next. Sagar has just started evening class. He is learning. He is learning English. Next, देखिए, fourth exercise. Complete the sentence. अब कुछ sentence है आपके सामने, वो complete करेंगे हम. यहाँ पे भी मैंने verb लिख दिया अंदर bracket में, उसका use करेंगे हम ये sentence complete करेंगे. The population of the world is rising very fast. जैसे आपको बोला था कि हम जब situation की बात करते हो, हमारे आजू बाजू मतलब changes की बात करते हैं, तो उस वक्त present continuous का use होता है. यहां पे पंकज इज स्टिल इल बट ही इज गेटिंग बेटर स्लोली. ओके, नेक्स्ट. द वर्ल्ड डैश डैश चेंज थिंग्स नेवर स्टे द सेम. द वर्ल्ड इज चेंजिंग. द वर्ल्ड इज चेंजिंग थिंग्स नेवर स्टे द सेम. नेक्स्ट देखिए, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग. Every year things are more expensive. Okay, the cost of living is increasing. Every year things are more expensive. Understood? Next, dekhiye. The economic situation is already very bad and it is. Yahan pe get likha hai to getting aayega. It is getting worse. Understood? Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.